लखनादौन में लॉकडाउन का पालन नहीं किए जाने से पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए नगर में घूम रहे दो पहिया वाहनों को जब्त किया गया है। प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह अपने घरों से ना निकलें, लेकिन लोगों द्वारा प्रशासन के मना करने के बाद भी बड़ी संख्या में नागरिक वाहनों को लेकर शहर की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 125 से ज़्यादा वाहनों को जब्त किया गया है। बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, जिसको सफल बनाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। प्रशासन के द्वारा लगातार समझाइश दी जा रही है कि घरों से बाहर अनावश्यक कारणों से ना निकलें। उसके बाद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाने लगी है। थाना प्रभारी MD नागोतिया ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और अभी तक लगभग 125 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा चुकी है और यह कार्रवाई आगामी आदेश तक प्रतिदिन लगातार जारी रहेगी। लोगों से अपील की है कि वे घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। सिवनी से बालमुकुंद सिंह की रिपोर्ट। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार जो लोग लॉकडाउन का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। खास करके जो वाहनों पर जो लड़के 2 सवारी 3 सवारी बिना कारण निकल रहे हैं, इस प्रकार लगातार उन पर लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई की जाकर के वाहन जब्त किए जा रहे हैं और अभी तक लगभग 125 वाहन थाने में जब्त हो चुके हैं। लगातार ये कार्रवाई जारी है।